L4-5 में अगर डिस्क की प्रॉब्लम है तो इसका क्या मतलब है? L4-5 आपकी कमर के नीचे के भाग में या लंबर के पार्ट में डिस्क का लेवल होता है। यह आपकी सबसे नीचे वाली डिस्क से एक ऊपर वाली डिस्क होती है, जिसको हम L4-5 डिस्क कहते हैं। नॉर्मली L4-5 या L5-S1, ये दो डिस्क हैं जो ज़्यादातर केसेस में ख़राब हो जाती हैं, अपनी जगह से हिल जाती हैं और नस को दबाने लगती हैं। तो अगर आपको L4-5 डिस्क की प्रॉब्लम है, आपका MRI हुआ है, तो हो सकता है उसमें लिखा हो कि आपको डिस्क हर्निएशन, प्रोलैप्स, एक्सट्रूजन, प्रोट्यूजन या फिर सिक्वेस्ट्रेशन है। ये डिस्क के अपनी जगह से हिलने की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे एक्सट्रूजन मतलब डिस्क पूरी तरह से निकल गई है, प्रोट्यूजन मतलब थोड़ी सी निकली है, और सिक्वेस्ट्रेशन मतलब थोड़ी ज़्यादा निकली है लेकिन उसने पेरेंट डिस्क को कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ा है। तो इन सिचुएशन में अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर थोड़े ही सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आप मेडिसिन से ही पूरी तरह से ठीक हो जाएं, और साथ में हम बाद में आपको एक्सरसाइजेस करने को बोलें। अगर सिम्टम्स सीवियर हैं तो हो सकता है एक सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन या फिर फेसेट जॉइंट इंजेक्शन या बैक एक्सरसाइजेस अलग तरह की हम आपसे करवाएं, जिससे कि धीरे धीरे आपको आराम आ जाएगा। सीवियर केसेस में जहां पैर में बहुत सीवियर पेन जा रहा है या पैर में सुनपन, भारीपन, झंझनाहट या कमजोरी या पैरालिसिस के जैसे लक्षण हैं, तब हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। उस सिचुएशन में हम एक माइक्रोस्कोप से एक छोटी सी सर्जरी करते हैं जो कि करीब 40 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसमें हम उस डिस्क के टुकड़े को L4-5 से निकाल देते हैं जो कि नस को दबा रहा हो। L4-5 में अगर डिस्क की प्रॉब्लम है तो नॉर्मली पैर में करंट की तरह दर्द जा सकता है, जो पैर के नीचे के भाग तक जा सकता है, जैसे कि काफ मसल में पीछे तक या एड़ी तक। इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आपको L4-5 डिस्क की प्रॉब्लम हो। आप अपना MRI करवाएं और हमें इस दिखाए हुए नंबर पर भेजें। जो भी आपका बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा, वी विल सजेस्ट यू। थैंक यू।